जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बलियो चिराग अंधियार में, सब कल उधरी एक नाम धर्म। प्रगट सगल हर भवन में, जन नानक गुरपार ब्रह्म। सतगुरु धन गुरु नानक देव पातशाह जी, सतगुरां दा ज्योति जोत समाउन दिहाड़ा। आज आप गुरु की गोद विच बैठ के सतगुर की पावन बाणी सुन के ते विचार के गुरु की गोद विच बैठ के सतगुरां दे इस पावन दिहाड़े नू याद कर रहे हो, जिस दिन सतगुरु गुरु नानक साहिब पातशाह जी ज्योति जोत रली संपूर्ण थिया राम। धन गुरु नानक पातशाह जी जोत विच जोत स्वरूप मिल के उस करते परमात्मा अकाल पुरख के चरणों के बीच जा विराजे सन। साध संगत परमात्मा की कुदरत का नियम है। सतगुरु गुरु नानक पातशाह जी दे ही बचन पढ़िए ते पातशाह कहिंदे ने, जो संसार विच पैदा होया है उन्हें अपने समय के अनुसार एक दिन संसार तो जरूर जाना है। पर विचार यह है कि सतगुरु गुरु नानक पातशाह जी जिन्होंने बेहरामत की, बख्शिश की, कृपा की, समुचे जगत नू एक अंधकार दे विचो कढ़ के रोशनी दे नाल जोड़िया, ज्ञान दे नाल जोड़िया, और ये अमृत उपदेश अपनी हयाती विच समुचे जगत दे सामने रखिया कि भलियो जे सो चंदा उगवै सूरज चढ़े हजार, इते चानण हुंदे आ गुर बिन कोर अंधार। बाबे नानक दे बचन तुसी रोज़ पढ़ दियो, बलिहारी गुरे अपने दियो हाड़ी सदवार, जिन मानस ते देवते किए करत ना लागी वार। सब धन गुरु नानक पातशाह जी, जदों असी सतगुरां दे ज्योति जोत समाउन दिहाड़े की गल करने आ, सिर्फ साध संगत जी मैं 2 मिनट आप जी का समा लेना है, क्योंकि बेअंत तरह के भुलेखे सतगुरां दे ज्योति जोत समाउन दिहाड़े नाल भी खड़े किए जाते रहे हैं। साखीकारां दा ये उपदेश, ये बचन असी साखीकारां दे ओ अमृत बचन जिहड़े उन्होंने साखियां दे विच दृढ़ कराए ने, आपां पढ़दे वी हां कि जिस दिन धन गुरु नानक पातशाह जी ज्योति जोत समाए, उस दिन 2 फिरके हिंदू ते मुसलमान धन गुरु नानक पातशाह जी नूं मन्नण वाले, सतगुरां नूं प्यार करन वाले, इन्हां ने आपस दे विच बड़ी खहबाजी कीती। ये आपस दे विच लड़ पए इस गल तो कि एक धर्म का मन्नण वाला यह कहिंदा भी धन गुरु नानक पातशाह जी उन्हां दे तन नूं, उन्हां दे शरीर नूं मैं मिट्टी दे विच थल्ले कबर दे विच दफनाना है। दूजा यह कहिंदा है कि नहीं, धन गुरु नानक पातशाह जी दे शरीर नूं मैं अगन भेट करनी है, सतगुरां दे शरीर का संस्कार करना है। और बड़ी बाकमाल की गल है सात संगत, इस समूचे वाकयात दे दरमियान ये जो कुछ घटना वापरती है इतिहास दे विचो, साखीकारां ने जो कुछ वचन रखे, धन गुरु नानक पातशाह जी ने जिन्हां नूं अपनी जोत रूप बना के गद्दी ते थापिया, धन गुरु अंगद देव पातशाह जी का उन्हां दा किते जिक्र नहीं मिलता। सतगुरु गुरु नानक पातशाह जी दे परिवार का किते जिक्र नहीं मिलता। इन्ने करोड़ां लोग जिन्हां नूं सतगुरु ने नाम की थापना दे के करते अकाल पुरख के चरणों नाल जोड़िया, उन्हां दा किते कोई नाम निशान भी नहीं मिलता। सिर्फ 2 फिरके लिया के खड़े कर दिते गए। एक कहिंदा है भी नहीं, गुरु नानक साहिब साडे पीर ने, इस करके असीं उन्हां नूं दफनाना है। दूजा यह कहिंदा भी नहीं, धन गुरु नानक साहिब पातशाह जी साडे गुरु ने, असी उन्हां नूं शरीर नूं अगन भेट करना है, उन्हां दा संस्कार करना है। और सच विच बड़ी समझण वाली गल है सात संगत, असी धन गुरु नानक साहिब पातशाह जी दा जदों जीवन पढ़ने हां, इन्हां मनोतां तो इन्हां गल्लां तो सतगुरां ने सानूं बाणी दे राहीं बाहर कढ़े। एक बड़ा प्यारा बचन तुसीं साहिब दा बाणी विचों पढ़ दे, पातशाह कहिंदे ने, इक दजै इक दबी है, इक ना कुत्ते खाहें, एक पानी विच उसटी है, एक पी फिर हसन पाहे, नानक एम ना जा पए, किथे जाए समा। सतगुरु कहिंदे ने कौन है जिन्हां नूं दज्जें अग ला दित्ती गई, एक ओ शरीर ने जिन्हां नूं साड़ दिता गया, एक ओ ने जिन्हां नूं दफना दिता गया, एक ओ ने
जिन्हां नूं खूह दे विच हसन दा जैन धर्म मत दे अंदर एक फिरका होए, जिहड़े ना शरीर नूं दफनांदे ने ना अग लाउंदे ने, उह शरीर नूं की करदे ने खूह दे विच मरन उपरांत एक रस्सी दे नाल बन्न के उल्टा लटका दिंदे ने। उह इंसान मरन तो बाद पशु पंछियां दा आहार बन जांदा है। सतगुर कहिंदे ने पर सच इह है, बंदे दी मौत हो गई, अंदरों जोत निकल के जोत विच समा गई, हुण शरीर है, शरीर नूं किसे भी ढंग नाल तरीके दे नाल बिले लाना है। इस शरीर नूं असी संसार दे अंदर इंदे अंतम अंजाम तक पहुँचाना है। वह कोई साड़ के पहुँचाए, वह कोई दफना के पहुँचाए, या किसी होर ढंग दे नाल पहुँचाए। विचार सच विच ये समझण वाली है भी सतगुरु गुरु नानक पातशाह जी का स्पष्ट सिद्धांत है बाणी दे अंदर कि भाई ये शरीर ने मरना है, एक दिन जाना है, पर यह शरीर दे जींदिया जी रहिंदिया रहिंदिया असी अपने जीवन दे विच की कुछ करके जाने हैं, मायने मनुख दा समुचा जीवन रखदा है। इस करके सतगुर ने स्पष्ट सिद्धांत बाणी विच दिता है। पर बड़ी बाकमाल दी गल है, धन गुरु नानक पातशाह जी ज्योति जोत समाते ने, तो सतगुरां दे ज्योति जोत समाउण दे उपर भी असी एक बड़ा वड्डा झगड़ा खड़ा कर दिता। पर सच ये उस झगड़े दे दरमियान गुरु नानक साहब जी दी जोत दे वारस किते नज़र नहीं आउंदे। पर एक वाकियात आपां इतिहास विचों भी पढ़ने हां, जिस दिन धन गुरु नानक पातशाह जी भाई मरदाने नूं पुछदे ने, मरदानिया तेरा आखिरी समय, पर सच ये असी चाहते हाँ भी आखिरी समय तेनू कुछ दे के तोरीए। तो मरदाना हाथ जोड़ के कहिंदा, सतगुरु जी तुहाडे चरणां दे विचों मैनूं सब कुछ मिलिया, हुण किसी चीज़ की कामना नहीं। तो पातशाह जी कहन लगे, मरदानिया जे तू चाहे तो तेरे मरण उपरांत जिथे तेरे शरीर नूं दफनाया जाए उत्थे एक पक्की कबर बना दिती जाए। उस कबर दे उपर आ के लोग शीश झुकाणगे, मत्थे टेकणगे, उन्हूं संगमरमर दे अंदर मढ़ा के रख दिए। आने वाले समय तक लोग तेरी पूजा करनगे। तो धन गुरु नानक पातशाह जी दे चरणां दे विच भाई मरदाना शीश झुका के कहिंदे ने, सतगुरु जी किरपा करियो, सारी जिंदगी तुसी मैनू अपने चरणां दी धूड़ दे नाल निवाजे, मैनू कीमती उपदेश नाल निवाजे, तुसी समुचे जगत नू उपदेश कीता, तुहाडे उपदेश नू मैं एक एक उपदेश नू अपने जीवन विच सुनिया, मेरे सतगुर किरपा करो, इस शरीर दी कच्ची मिट्टी दी मड़ोली विचों कढ़ के इस तन नू तुसी पक्कियां इट्टां रूपी कबर दे अंदर मड़ के ना जायो। भाव सतगुर गुरु नानक पातशाह जी दे सामने भाई मरदाने दा ये कहना, जो इस्लाम धर्म दे नाल संबंध रखण वाले ने, क्योंकि गुरु नानक साहब जी का सिद्धांत उन्होंने अपने हिरदे विच वसाया। मैं फिर बेनती कर दिया, क्योंकि असी बाणी दे अंदरों इस गल नू समझना है, साध संगत ये झगड़ा खड़ा किया गया उस वक्त, पर जेड़ा आप गुरु नानक साहब पातशाह जी दे अमृत बचन ने भी बलियो चिराग अंधियार में सब कल उधरी एक नाम धर्म, जो सारे जगत नू एक नाम की रोशनी दे रहे ने, उन्हां दे मरण उपरांत उन्हां दे ज्योति जोत समाउण उपरांत असी किड्डा वड्डा झगड़ा समाज विच खड़ा कर दिता। सच यह है, धन गुरु नानक पातशाह कहिंदे ने, जिहड़े लोग गुरु नानक साहब पातशाह जी दे बाबत भाई साहब भाई गुरदास जी दे ए पावन बचन भी, जिहड़े लोग धर्म दे नाम ते एक दूजे नाल खहबाजी करदे सन, जिन्हां दे बाबत भाई साहब भाई गुरदास ने आख्या, गंग बनारस हिंदुआं मुसलमाना मक्का काबा, जिहड़े धर्म दे नाम ते एक दूजे नाल लड़ के कहिंदे सन, मेरा धर्म वड्डा तेरा धर्म छोटा, पर जिदन उन्हां बाबे नानक दी रबाब सुनी, धन गुरु नानक पातशाह जी दी रबाब सुनन तो बाद उन्होंने भी हाथ जोड़ के आख्या, घर घर बाबा गावीए वजन ताल मृदंगर बाबा, जिहड़े बाबे दी रबाब हर घर दे विच वजी, ध्यान देना कि उस बाबे दे मरण उपरांत ज्योति जोत समाउण उपरांत कि उस बाबे दी मौत ते उन्हां दे शरीर ते भी झगड़ा हो सकदा सी, किड्डी बाकमाल दी गल है। असी सारी जिंदगी धन गुरु नानक साहिब पातशाह जी दे दिते उपदेश नूं इन्हां साखीकारां ने एक सैकिंड दे विच मिट्टी विच रोल के रख दिता। असल गल इह है कि उह सिद्धांत इत्थे इह स्पष्ट करना चाहते ने कि धन गुरु नानक पातशाह जी ज्योति जोत समाउण लगे ने, पर वेखो लोकां वल, लोग अजे भी धर्मां ते फिरकियां दे अंदर बजे हुए ने। नहीं साध संगत,
धन गुरु नानक पातशाह जी करतारपुर साहब जी की धरती से जिथे सतगुरां ने अपना आखिरी समा बतीत किया इत्थे सतगुरु जी ज्योति जोत समाए ने ते ज्योति जोत समाउन उपरंत धन गुरु नानक पातशाह जी दे शरीर का संस्कार धन गुरु अंगद देव पातशाह जी ने आप अपनी हयाती विच अपनी हजूरी विच करवाया है। ये भुलेखे सानू अपने मन विचों कढ़ने चाहिए ने ते साध संगत सच है गल इत्थे नहीं मैं मशकीन जी दे बचन भी सुन रहा सा मैं सिर्फ दो मिनट कह के समाप्ति कर देनी है। मशकीन जी कहिंदे ने जिदन धन गुरु नानक साहब पातशाह जी ज्योति जोत समाउंदे ने जिथे उन्हां दा शरीर सी सच है भी जदों चादर चुकी गई तो थले शरीर नहीं सी सिर्फ कुछ फुल पए हुए सन। मशकीन जी की इत्थे विचार फिलोसफी बड़ी बा कमाल दी वो कहिंदे ने सच है बाबा नानक उन्होंने एक सिद्धांत दिता दुनिया के लोगों बाबे नानक नूं शरीर करके ना समझियो गुरु नानक पातशाह जी ते फुल्लां दी न्याई सन जिहड़े संसार नूं खुशबू वंडन आए सन ते खुशबू वंड के संसार दे अंदर चले गए। खुशबू उन्हां संसार दे हर धर्म हर मज़हब हर इंसान हर जात हर वर्ण तक पहुँची वह खुशबू किसी एक जात वर्ण फिरके तक बजी हुई नहीं रही क्योंकि सात संगत फुल दी खुशबू किसी एक धर्म जात जा वर्ण दे लई नहीं फुल जो खिड़दा है वह अपनी खुशबू समस्त लुकाई नूं देंदा है उनकी खुशबू किसी एक इंसान दे लई नहीं। इस तरह धन गुरु नानक पातशाह जी दे ज्योति जोत समाउन तो बाद यह कह देना भी सतगुरु गुरु नानक पातशाह जी का शरीर मिलिया ही नहीं सच विच असी किड्डी वड्डी कुताही कर रहे हैं। सारी जिंदगी करामात नूं कहण वाले बाबा नानक अंत वेले असी उन्हां दे शरीर दे नाल भी करामात दिखा दित्ती नहीं सात संगत सतगुरु गुरु नानक पातशाह जी उन्होंने सारी जिंदगी जिहड़ा सिद्धांत दिता है उन्हां दे सिद्धांत नूं असी अपने जीवन का आधार बनाईए और उन्हां दे दिते हुए फलसफे नूं अपने जीवन के अंदर समझिए। बड़ी वड्डी विचार है सतगुरु गुरु नानक पातशाह जी दी जिन्हां ने राजियां नूं वंगार पा के आखिया भी नहीं राजे शी मुकदम कुत्ते जाए जगायन बैठे सुते कल काती राजे का साई धर्म पंख कर उड़ रहा सच चंद्रमा कूड़ अमावस दिसै नाही कह चढ़िया। सतगुरु गुरु नानक पातशाह जी उन्होंने समुची खलकत नूं कलावे दे अंदर लैके एक परमात्मा एक रब दे उपदेश दे चरणा दे नाल जोड़िया है। सतगुरां दे ज्योति जोत समाउन दिहाड़े नूं असी इन्ना छोटा करके बयान ना करिए सात संगत बाबे नानक दा सिद्धांत समझिए गुरु नानक साहिब पातशाह जी दी अमृत बाणी नूं अपने जीवन दा आधार बनाइए। शरीर बिन संहार है बाणी दा सिद्धांत है सतगुर कहिंदे ने इह शरीर उपजिया है ते इह नेक दिन बिनसना भी है पर विचार इस दे उपजन ते बिनसन दे दरमियान किते होए कर्मां दीए इन्हें किहड़े कर्म अपने जीवन विच कीते ने इस करके उन्हां कर्मां नूं असीं समझण दा यतन करिए जो उपदेश सतगुरु अपनी हयाती विच सानूं दे के